हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी छत पर हम नहीं हैं, आज हम आए हुए हैं देहरादून अपनी मामी जी के घर में। और उनका ये देख रही हैं ना मेरे हाथ में, आप इतने बड़े बड़े बहुत सारे पेचे लगे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप पेठे का जूस सवेरे सवेरे पियेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो इन्होंने एक पेड़ लगाया था और उसकी जड़ें पता नहीं बेलिए कहाँ कहाँ तक फैल गई, सो मच सो कि अमरूद के पेड़ से जब उसने लटकना शुरू किया तो बड़ी हंसी आती थी कि अमरूद के पेड़ से कभी पेठा लटकते देखा है। इसी प्रकार देखिए, ये नारंगी का पेड़ है दोस्तों, ये नारंगियां लगी हुई हैं और ये वहां ऊपर लगा हुआ था, ये वाला पेठा वहां से ये तोड़ा गया तो ये लगा कि नारंगी के पेड़ पे क्या टैंजरीन के पेड़ पे ये पेठा हुआ है। और बहुत सारे इसमें लगे हैं, अगर आप नीचे आए तो देखिए नीचे भी लटका हुआ है और संग में नारंगी है। और मामी जी क्या बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन मौसम जाड़े का है तो नारंगी वो सॉरी लीची आम अमरूद थोड़ा सा कम है, लेकिन नारंगी है और कमरख है, स्टार फ्रूट जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ें खूब लगी हुई हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं जरा सा एक राउंड छोटा सा। ये पेठा आप देख रहे हैं पता नहीं कितने किलो का होगा, 5-7 किलो का तो हो गई, हमसे तो कटता नहीं, तो माली जी जरा काट के दे दीजिए हम लोगों को। काट लीजिए माली जी इसको, काटो। हाँ काटिए, वाह देखिए कितना विशाल है। कितने किलो का होगा माली जी? ये 8-9 किलो का, 8-9 किलो का होगा। चलिए गाड़ी में रखते हैं, फ्रेश एकदम, अभी अभी तोड़ी है बिल्कुल, और मुँह में खटास आ रही है कितनी खट्टी। और देखिए गिरते ये तोड़ने में ऊंचे लगी थी, ये क्रैक हो गई है, तो अभी गाड़ी में बैठ के इसको काटा जाएगा और नमक लगा के हम लोग इसको जायका लेके खाएंगे। ये देखिए ये भी और लगी हुई है यहाँ पे। बगीचे की चीज़ों में हाथ लगाना, उनको देखना, फील करना दोस्तों अपने आप में एक अनुभव है जो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मामी जी का चूंकि एरिया काफ़ी बड़ा है तो उसमें से पुराने जो कटिंग होती रहती है वो सब पत्ते हैं टहनियाँ हैं वो सब निकलती रहती हैं। सो वॉट वी ऑलवेज आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन आर किचन गार्डन एपिसोड्स एंड ऑल की किस तरह से गार्डन वेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी देखिए कितना पाइल करके रखा हुआ है ये अपना लीफ मोल्ड बनाने के लिए, एक भी चीज़ वो फेंकती नहीं है। लकड़ियाँ हैं वो काम आ जाएंगी सपोर्ट करने में, अभी टमाटर वगैरह लगाएंगे उसमें, और पत्तियों की तो खाद बनती ही है, वो इसी में ही सारा जो इनका बगीचा है वहीं पर ये ख़त्म हो जाती है। तो कहीं भी कभी भी आपके घर की जो खेती है, बगीचे हैं, गमले हैं, कुछ भी पत्तियां निकलती हैं उनको हम लोग को कभी भी फेंकना नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स ये शरीफे का पेड़ है, हालांकि मौसम नहीं है बट फिर भी शरीफा देखिए कितना प्यारा इसमें ये निकला हुआ है। पेड़ कितना हेल्दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन विदाउट एनी टचवुड इन्फेस्टेशन। और इसी तरह से आम के पेड़ है जिसके नीचे मैं खड़ी हूँ, ये आम का पेड़ है और इधर भी आम का पेड़ है, और अगर आप ऊपर थोड़ा दिखाएं तो देखिए पीछे लीची का पेड़ है, इतना बड़ा, बहुत लीचियाँ निकलती हैं, एक लीची का इधर भी है और लीची के बगल में उधर आंवले का पेड़ है, आप देखिए कितने सारे गूसबेरीज उसमें अभी भी लगे हुए हैं। ऐसी जगह पे तो आगे दोस्तों मन करता है कि बस यहाँ बैठो और ताजी ताजी फल और सब्जियां तोड़ तोड़ के खाते रहो। फीलिंग सो एक्साइटेड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आइए और आपको पेठे दिखाते हैं कैसे लगे दोस्तों, कितनी खूबसूरत साइट है ये, देख के ना मन कितना प्यारा लगता है ये। और ये पेड़ जो है ना ये चांदनी का पेड़ है, डबल चांदनी का है, पूरा इसने बेल ने इसको ढक लिया है और इस तरह से तमाम यहाँ लटके थे, ये तो अभी थोड़े से कह रही हैं मामी जी की कच्चेपन पे हैं, पके नहीं है तो इसलिए इसको अभी हम नहीं काटेंगे। और दोस्तों ये मत समझिए कि खाली इनके यहाँ फल लगे हैं, फूल अगर मैं आपको इनके दिखाऊंगी, पॉइनसेटिया का एक डबल पॉइनसेटिया का जो पेड़ है ना, देखने लायक चीज है, आइए एक बार उसको भी देखते हैं। दोस्तों ये एवोकाडो का पेड़ है, हो गए होंगे काफी टाइम इसको लगे हुए, फूल और फल कभी इसमें आया नहीं है क्योंकि बीज से बनाया गया है, बीज वाले का कोई आपको पता है टाइम नहीं होता है आने का, एंड आई डोंट नो वेदर शायद इस क्लाइमेट में निकल गया है, लेकिन पेड़ की जो हरियाली है जो खूबसूरती है, इतना बड़ा एवोकाडो का पेड़ मैंने प्लेन्स में नहीं देखा, तो
तो देख के आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट. सो आई वांटेड टू जस्ट शेयर विद यू ऑल कि एवोकाडो के पेड़ ऐसा. फ्रेंड्स, फलों के बाद अब आते हैं फूलों पे. तो ये पॉइंसेटिया क्या बाहर देख रहे हैं, इतना खूबसूरत पेड़ लगता है. दूर से ऐसे लगता है, पता नहीं गुच्छे कहें कि लाल, बिल्कुल जैसे बुरुश होता है ना पहाड़ों में. यस, बुरुश का जो पेड़ होता है ये गुच्छे इस तरह से लग रहे हैं. तो मैंने मामी जी को बोला है, दोस्तों क्वाइटली आई टेल यू, कि इसकी ना कटिंग 4-5 बना दीजिएगा. तो जब बन जाएगी तो अगर मेरे यहाँ लग जाती है गमले में, मामी जी ने प्रॉमिस किया कि वो बनाएंगी, तो अगर ये लग जाती है तो वी ऑल कैन शेयर जो हमारे आसपास रहते हैं, एंड वी ऑल्सो बी प्राउड ओनर्स ऑफ सच ब्यूटिफुल दिस थिंग पॉइंसेटिया. तो दोस्तों, पेठा ले चले, कमरख ले चले, और शरीफे 2-4 लगे थे वो भी हमने तोड़ लिए कि हम पका लेंगे अखबार में रख के. और संग में उन्होंने ये हमें दिया है जिंजर लिली, दैट इज इनकी भाषा में बताती हैं, पहाड़ में इसको कहते हैं गुल बकाउली. गुल बकाउली बड़ा सुंदर इसका सफ़ेद रंग का फूल निकलता है. तो ये इन्होंने हमको दिया है, तो ये भी हम लेके चलते हैं. इतनी सारी चीज़ें, मज़ा आ गया. तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मामी जी का यह बगीचा छोटा सा जो मैंने आपको दिखाया, छोटा तो नहीं बोलूँगी, अभी आधा दिखा है क्योंकि जल्दी है, जाने की भी लेट हो रहे हैं, तो ये जो दिखाया अगर आपको पसंद आया हो तो उत्साहवर्धन ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको. साइड में जो आइकन है बेल का, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए. सो टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ, एंड मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घर से बाहर निकले, धूप में बैठे. गुड बाय.